हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इस कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, डोजेस एंड इसके सब्सिट्यूट्स के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। सेवन कैप्सूल्स का प्राइस 76 रुपीज़ है। कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल मैनकाइंड का बनाया हुआ ब्रांड है और इसके अंदर इट्राकोनाजोल 100 mg होता है। गाइज, इट्राकोनाजोल फंगस के प्रोटेक्टिव शील्ड को बनाने से रोककर फंगस की ग्रोथ को रोक देता है। ये इस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है। अब बात करते हैं इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में। तो इस कैप्सूल को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं? गाइज, इस कैप्सूल को आप फंगस इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, इचिंग की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, कैंडिडा इन्फेक्शन में, दांत की प्रॉब्लम में, खुजली की प्रॉब्लम में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में और रूसी होने की प्रॉब्लम में और स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम में। इस कैप्सूल को आप इन सब प्रॉब्लम्स में ईजिली यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर इस कैप्सूल का यूज़ फंगस डिजीज़ में ज़्यादा किया जाता है। इस कैप्सूल को यूज़ करने से आपकी बॉडी पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी महसूस हो सकते हैं, जैसे कि आपको स्किन पर लाल रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है, लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, स्किन पे जलन हो सकती है और स्किन रैशेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो इस कैप्सूल को कब यूज़ नहीं करना चाहिए? जैसे कि अगर आपकी स्किन पर एक्ने हो, पोटेशियम की कमी हो, आपकी स्किन जली हुई हो या फिर ड्रग एलर्जी हो, मतलब कि इस कैप्सूल में दिए गए सॉल्ट से एलर्जी होना। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के डोजेस के बारे में। तो इस कैप्सूल को खाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इस कैप्सूल को एडल्ट्स इजीली एक बार दिन में खाना खाने के बाद पानी के साथ इजीली ले सकते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस कैप्सूल को दिन में दो बार भी खा सकते हैं। 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे इस कैप्सूल को इजीली ले सकते हैं और कोशिश करें इसका कम यूज़ करने की, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता ही दिया है इसके ओवरडोज़ होने से इफ़ेक्ट्स भी महसूस हो सकते हैं। तो आप इस कैप्सूल को दिन में एक बार इजीली ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में दो बार भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइज, ये था इस कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल के बारे में। ये कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको इस कैप्सूल से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी हो तो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।